नमस्कार, मैं गणेश पासवान, आप देख रहे हैं न्यूज़ 12 असम नॉर्थ ईस्ट। विभिन्न दल संगठन और राजनीतिक दलों के विरोध के बावजूद भी आज केंद्र गृह मंत्रालय ने CAA के अधिनियमों को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर दिया है। ऐसे में अब देश के साथ साथ असम में भी प्रतिक्रिया देखी जा रही है, वहीं कई दल संगठनों ने इसका विरोध जताया है। देखिए हमारी यह रिपोर्ट। नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर जारी विरोध के बीच आज केंद्र गृह मंत्रालय ने CAA के नियमों को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर दिया है। इसके तहत शरणार्थियों को देश की नागरिकता मिल सकेगी। जानकारी मुताबिक CAA के नियम जारी होने के बाद अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी। CAA को लेकर देश के अन्य राज्यों के साथ असम में भी जोरदार विरोध जारी है। ऐसे में देश के गृह मंत्री ने साफ शब्दों में कहा था कि CAA देश का कानून है और लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू किया जाएगा। मैं फिर से कहता हूं, CAA ये देश का कानून है, पत्थर पर लकीर है, ये वास्तविकता है, ये लागू होगा ही होगा और इस चुनाव के पहले होगा। कोई धमाका नहीं, ये बात मैं 10 बार बता चुका हूँ। चुनाव के पहले CAA लागू होगा, इस देश का कानून है, इसको कोई नहीं रोक सकता। और भाजपा शासित केंद्र सरकार ने आखिरकार सभी विरोध को दरकिनार करते हुए आज CAA के सभी नियमों को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी। इसके बाद से ही असम में प्रतिक्रिया देखने को मिल रहा है। कई संगठन और राजनीतिक दलों के नेता इसका विरोध कर रहे हैं। आज दिन तो जातीय जीवन का कला दिन। अवशेषत दिल्ली बीजेपी सरकार मानुहर অসমীয়া জনগণৰ আবেগ অনুভূতি জাতীয় স্বাভিমান সকলোকে জলাঞ্জলি দি কা বিৰোধী গণসংগ্ৰামক আজ 5 জন বীৰ শ্বহীদৰ আত্মত্যাগক বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই ভৰিৰে মুহাৰি তেওঁলোকে কা আইনখন জাপি দিলে। এইটো অসমৰ প্ৰতি প্ৰচণ্ড অন্যায় আৰু এই অন্যায়ে অসমৰ ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, মাটি, ভেটি, ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত ধ্বংসৰ মুখলৈ ঠেলি দিব। গতিকে তেনেকুৱা এটা সময়ত আমি অসমৰ ৰাইজে, আমি দিল্লীৰ যিটো আমাৰ প্ৰতি, অসমৰ প্ৰতি কৰা যিটো অন্যায়, প্ৰচণ্ড অন্যায়, এইটোক আমি সদায় মনত ৰাখিম আৰু আজি এই দিনটোত আমি বীৰ শ্বহীদসকলৰ প্ৰতি স্মৰণ কৰি, সোঁৱৰণ কৰি আমি ক'ব খুজিছো, যিসকল নেতাই দিল্লীৰ এই যিটো ষড়যন্ত্ৰ, জাতিধ্বংসী ষড়যন্ত্ৰ, সেই ষড়যন্ত্ৰত যিসকলে মৌনভাৱে সমৰ্থন দিলে, নিজৰ গাদী ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে জাতীয় স্বাৰ্থ জলাঞ্জলি দিলে, সর্বানন্দ সোণোৱাল প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, বর্তমানের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, তেওঁলোকে নিজে পদলেহন করে দিল্লির ওসর আঁঠু কাঢ়ি দিল্লির কথা মতে উঠা বহা করে এটা এটা পুতলার দরে, চাবি দিয়া পুতলার দরে ব্যবহার করে এই আইনখনের প্রতি সমর্থন দিলে, মৌনভাবে সহযোগিতা আগবহালে আর এই কার্যক এক অক্ষমণীয় জাতীয় অপরাধ হিসাবে রাইজে গণ্য করেছে। वहीं देश में लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों को लागू करने को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मामले में केंद्र पर सीधे निशाना साधा है। नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों के तहत भारत के 3 मुस्लिम पड़ोसी देश जिनमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश शामिल है, यहां से आए गैर मुस्लिम प्रवासी लोगों के लिए भारत की नागरिकता लेने के नियम आसान हो जाएंगे। इन 6 समुदाय में हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी शामिल है। आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के 11 दिसंबर को संसद में पारित किया गया था। इसके एक दिन बाद ही इस विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति भी मिल गई थी। इस विधेयक के बाद से ही पूरे देश के साथ साथ असम में भी विरोध का दौर जारी था।
बावजूद इसके लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने इसे पारित करने का फैसला लिया है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, न्यूज 12, असम नॉर्थ ईस्ट। न्यूज 12 के खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए। वहीं अगर आप हमारे खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक कीजिए। धन्यवाद।